नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। एक तो उत्तर प्रदेश की अयोध्या है जहां पर भगवान राम ने जन्म लिया था, लेकिन बुंदेलखंड में भी एक अयोध्या है। यहां अयोध्या ओरछा है। यहां पर भगवान श्री राम राजा सरकार विराजते हैं। इस अयोध्या में आज भी सभी काम श्री राम राजा के आदेश पर ही होते हैं। ऐसे में यहाँ की दिवाली भी अलग ही रहती है। दिवाली पर श्री राम राजा सरकार के मंदिर को सजाया गया है और दीप जलाए जा रहे हैं। दिवाली की सुबह यानी सोमवार सुबह से ही मंदिर में राम राजा सरकार के दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी हुई है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने भी मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के पूर्ण इंतजाम किए हैं। बेतवा नदी किनारे स्थित इस नगरी में भगवान श्री राम राजा की तरह पूजे जाते हैं। अपने राजा के दर्शन के लिए ओरछा ही नहीं बाहर से भी भक्त यहां पर आए हैं। वे सभी भक्त राम राजा के दर्शन के बाद दीप जलाएंगे और पटाखे जलाएंगे। ओरछा की महारानी कुंवर गणेश सनवत 1631 में राम राजा को अयोध्या से गोद में लाई थी। भगवान को पाने के लिए उन्होंने अयोध्या में सरयू तट पर तपस्या की, लेकिन भगवान नहीं मिले। ऐसे में नदी में कूद गई, जहां पर उन्हें भगवान राम की प्रतिमा मिली जिसे वे गोद में लेकर ओरछा आई। लेकिन राम राजा सरकार ने ओरछा आने से पहले रानी के सामने शर्त रखी थी कि वे गोद में ही चलेंगे और जहां पर उन्होंने विराजित कर दिया वहीं रह जाएंगे। जब वे ओरछा आई तो राजा मधुकर शाह ने मंदिर पहले ही बनवा दिया था। वे राम राजा को रसोई में रख कर मंदिर देखने चली गईं। मंदिर देखने के बाद जब वे लेने आई तो राम राजा सरकार ने शर्त बताई। तब से राम राजा सरकार का स्थान महल की वही रसोई है और वहीं पर उनका दरबार लगता है। ओरछा आने से पहले भगवान राम ने रानी के सामने शर्त रखी थी कि ओरछा के राजा वहीं होंगे और उनका ही राज चलेगा। रानी ने उनकी शर्त मान ली थी, इसलिए ओरछा का राजा राम को ही माना जाता है और तब उनका ही राज यहाँ पर चलता है। राम राजा दरबार में पुलिस गार्ड हमेशा तैनात रहता है और तीनों समय राम राजा का सलामी देता है। बंगाली दवाखाना मसौदा के मशहूर चर्म रोग डॉक्टर व पूर्व जिला पंचायत सदस्य तथा भावी बीकापुर नगर पंचायत प्रत्याशी डॉक्टर प्रवेश कुमार वर्मा की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेशवासियों को दशहरा, धनतेरस, दीपावली व भैया दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणोत्तर संघ जनपद अयोध्या के जिला मंत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज खजुराहट अयोध्या के वरिष्ठ लिपिक विजय कुमार यादव की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेशवासियों को दशहरा, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर उमेश चौधरी MBBS और चेयरमैन चिरंजीव हॉस्पिटल मैटरनिटी ट्रामा एंड एडवांस लेप्रोस्कोपिक सेंटर नाका जनपद अयोध्या की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेश वासियों को दशहरा, धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर उमेश चौधरी, सर्जन चिरंजीव हॉस्पिटल, और सभी प्रदेशवासियों से मतलब से ये भी अपील करता हूँ कि इस बीमारी जो है महामारी का रूप ले चुकी है, इससे जो है सावधान रहें और अपने आप को बचा के रखें। बचाने अपने आप को बचाने के लिए एक ही तरीका है कि आप जो है डेंगू के मच्छर जो दिन में काटते हैं उससे बचने के लिए फुल आस्तीन के कपड़े पहने, टीवी पार्ट आपका जो है वो न रहे, खुला न रहे, और दूसरा आस पास अपने जो है पानी इकट्ठा होने से जो भी कूलर और छोटे छोटे बर्तन में पानी इकट्ठा है उस पानी को फेंकें और सावधानी रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद नई गढ़ी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा करे और धन्यवाद। समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, बिंद वासियों को, रीवा वासियों को और नई गढ़ी जनपद के
सभी पूजनी जनों को, प्रिय जनों को और छोटे भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे रहे और आप सब खुशहाल रहें। आपकी खुशी, आपका सुखी हमारा और हमारी टीम का एक संकल्प है। एक बार फिर अगस्त क्रांति मंच की ओर से और भारत जोड़ो देवतलाव विधानसभा टीम की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिंद, जय अगस्त क्रांति।